नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देश भर में बीजेपी अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है और इस बार बीजेपी की तरफ से बड़े कार्यक्रम ना करके बूथ स्तर पर स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं शिमला में भी हर बूथ पर स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया और स्टोक्स प्लेस बूथ नंबर 70 की ओर से आपको बताते चले कि ऊपर संजोली बूथ नंबर 71 पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा मौजूद रहे और इस दौरान झंडा फहराया गया और साथ ही मिठाई बांटकर स्थापना दिवस मनाया गया है। और साथ ही आपको बताते चलें कि अब की बार 400 पार का संकल्प भी लिया गया। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने बताया कि आज बीजेपी ने अपना 44वां स्थापना दिवस धूमधाम से हिमाचल के 8000 बूथों पर मनाया है। प्रदेश में 7790 बूथों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और जहां पर बीजेपी के बड़े नेता भी इन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपको बताते चलें कि शिमला में बीजेपी ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है और कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर झंडे को फहराया और साथ ही बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा भी मौके पर मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का आज 44वां स्थापना दिवस है और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जो है वो स्थापना हुई थी। इस पार्टी को आज इतना बड़ा विराट रूप लाने में जो है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था तो वह 2 MP से शुरू किया था और आज जो है 2019 में 303 पर पहुंची है और इस बार 2024 के लोकसभा के चुनावों में भाजपा 370 और NDA 400 पार के नारे से हम आगे बढ़ रहे हैं और इसको हम दृढ़ निश्चय लेते हुए हम पूर्ण रूप से जो है इसको लक्ष्य को हम भेद के दिखाएंगे। आपको बताते चले कि शिमला में बीजेपी ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर झंडे को भी फहराया। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नड्डा भी मौके पर मौजूद रहे हैं। आपको बताते चले कि प्रभारी कर्ण नड्डा भी मौके पर मौजूद रहे और यहां पर 45वां स्थापना दिवस मनाया गया है। खबर हमीरपुर से है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने पूर्व 9 विधायकों पर आरोप लगाने को लेकर मनगढ़ंत बताया और साथ ही बागी विधायकों और 3 आजाद विधायकों पर 15-15 करोड़ में बिकने के आरोपों को गलत ठहराते हुए सीएम पर मानहानि और क्रिमिनल केस करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि बीते दिन सीएम सुक्खू ने ऊना में बागीपुर विधायकों और आजाद विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए थे, साथ ही इन्हीं जेल में डालने का भी बयान दिया था और जिस पर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। मुझे लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, लगता है कि मानसिक संतुलन इनका इम्बैलेंस हो गया है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर सभी जो 6 के विधायक और 3 इंडिपेंडेंट के विधायकों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 15-15 करोड़ रुपए में ये लोग जो है बिक गए, मुझे लगता है कि इनको सरकार को जल्दी चाहिए कि इनको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जरा चेक करवाएं। मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं और पूरी तरह इम्बैलेंस हो चुके हैं और जिस तरीके से ये बात करें कि मेरे पास सबूत है, ये सलाखों के पीछे जाएंगे, मुझे लगता है कि इनको जो है अपना मानसिक संतुलन जो है वो जो बैलेंस इनका बिगड़ा है उसको डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए। सबूत हैं तो पब्लिक के बीच में सार्वजनिक करें और बाकी के सबूत इनके पास हैं तो कोर्ट में पेश करें और कोर्ट में जाके कल 10 बजे से पहले पहले मुख्यमंत्री के ऊपर हम 9 के 9 विधायक जो है वो नोटिस जो है वो तैयार है, केस तैयार है, पहले से केस तैयार हो रहा था और जिस तरीके से कल फिर से इन्होंने जो है गंभीर आरोप लगाए हैं, कल 10 बजे से पहले पहले इनको नोटिस जो सर्व हो जाएगा। इस मामले को कोर्ट में देखेंगे, मानहानि का भी केस ठोकेंगे, क्रिमिनल केस भी ठोकेंगे और सिविल जो है वो सूट भी इनके खिलाफ जो है हम लोग दायर करने वाले हैं।
बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय बिलासपुर में त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने मुख्य रूप से शिरकत की है। इसके साथ ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद सुरेश चंदेल और बिलासपुर सदर विधायक त्रिलोक जामवाल सहित पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और देश की जनता का आभार जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दो दो बार पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाई, अपार जन समर्थन मिला और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बना। आज ये संकल्प हम लेकर चले हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे और अगले 3 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीबों को अति गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ घरों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा दिया, 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दी, हर घर को बिजली लगभग पहुंचा दी, LED के बल्ब दिए, वहीं पर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज दुनिया का सबसे बड़ी स्कीम स्वास्थ्य की मुफ्त में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया और अगले 5 साल की गारंटी भी नरेंद्र मोदी जी ने दे दी है। खबर धर्मशाला से है, जहां पर कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक और बीजेपी उम्मीदवार सुधीर शर्मा ने प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर मानहानि का नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि सीएम का ये बयान 15-15 करोड़ रुपए में विधायक बिके हैं, उस पर उन्हें कानूनी नोटिस भेजा गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू का ये बयान कि सारे के सारे विधायक जो है वो 15-15 करोड़ में बिक गए, बहुत ही हास्यास्पद है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने आज ही उनको नोटिस दिया है, मानहानि का दावा उनके ऊपर किया है, और दूसरा वो जो कह रहे हैं मेरे पास सबूत हैं, तो सबूतों को उनको जनता के सामने रख देना चाहिए। सिर्फ मंच से कुछ भी कह देना, वहां विधायक को कह दिया कि भुट्टो को भुट्टो, ऐसे जो है वो बातें व्यक्ति बुखलाहट में करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमीरपुर में जो कैप्टिव माइनिंग का क्रशर है वो किसका है, और आप दुबई गए इन्वेस्टर मीट के लिए, लेकिन वहां इन्वेस्टर मीट हुई नहीं, सरकारी खर्चे पर आप किसी के निजी फंक्शन में शामिल होने चले गए, उसमें किसका पैसा खर्च हुआ? और उसके साथ साथ जो वर्तमान में बद्दी के अंदर इंडस्ट्रियां हैं, 1 महीने के अंदर अंदर सेल और परचेज जो है और रीसेल हो रही है डबल दामों पर, दोगुनी कीमतों पर, और उसकी 118 की जो फाइल है 118 की, उसके ऊपर तो आप ही के साइन है। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा सीट पर कांग्रेस के पास में बहुमत के बावजूद बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिद्धवी को मिली हार अभी भी हिमाचल की सियासत में छाई हुई है। मैंने यहाँ याचिका दर्ज की है, आज वो चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका है, और उस याचिका में महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय अपने नियमों के अनुसार उस याचिका को देखेगा और उसके बाद उसमें अग्रिम आगे प्रक्रियाएं होंगी। चुनाव का खेल खत्म हो गया, चुनाव की बात खत्म हो गई, ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें कोई राजनीति नहीं होती है। और एक ऐसा थोड़ा सा विचित्र सा नियम है कि ऐसी याचिका दायर करने के लिए भी याचक को खुद पेश होना पड़ता है, आमतौर पर दायर करने के लिए खुद पेश होना आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चूंकि नियम ऐसा है इसलिए मैं आया। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के पूर्व प्रभारी और धर्मशाला से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी विजय इंद्र कर्ण ने बीजेपी पार्टी के नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर वे जनता को गुमराह करने के से बाज नहीं आए और बीजेपी की नलायकी के कारण आज तक न तो केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला और न ही देहरा में स्थापित हो पाया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीओ के साथ में बीजेपी पिछले कई सालों से राजनीति का खेल खेलती आ रही है।
आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे रहे वो हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे भाजपा हमारे पे बार बार आरोप लगा रही है और उसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस जो धनराशि है वो दे नहीं रही। तो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैंने ये उनसे सवाल करा है कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने ये धनराशि क्यों नहीं जमा कराई। प्रकाश जावड़ेकर जी जब ये यहाँ पे आके इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करके गए थे तब उन्होंने ये धनराशि क्यों नहीं दी। फिर हमने अपना जो धर्मशाला के लिए हमारा विजन है जो अटके पड़े कार्य जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते मोहल में इंडियन कोल्ड चेन कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इंडियन कोल्ड स्टोर कंपनी की तरफ से बागवानों को कोल्ड स्टोरेज प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के तत्वाधान में बागवान की चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। कुल्लू के अंदर में एक अलग सी एक हमने चीज नोटिस करी है कि यहाँ पे इतनी वैरायटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स हैं और लेकिन कोई भी वैल्यू एडिशन का हमने कोई भी एक यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं किया कि लोग यहाँ पे वैल्यू एडिशन कर रहे हैं या कोल्ड चेन को यूज कर रहे हैं या अपनी प्रोड्यूस के अंदर में आगे इसमें कोई और एक्स्ट्रा इनकम के लिए देख रहे हैं। तो दो चीजों का नुकसान हो रहा है, एक तो फेयर वैल्यू मार्केट जो होती है कि जब सारा सामान इकट्ठा आ जाता है तो सारा वैल्यू क्या है कि आपका रेट गिर जाता है तो आपकी आपकी कमाई कम हो जाती है, और दूसरा बहुत सारा परसेंटेज 15-20% यहाँ के फार्मर्स खुद कह रहे हैं कि जो ये 5 रुपए या 6 रुपए किलो में बाद में देते हैं जो कि नॉर्मल इनकी प्राइस इसकी 130-140 रुपए किलो होनी चाहिए। बिलासपुर के घुमारवी में मंडी क्षेत्र के आपको पता चले कि मंडलायुक्त राखिल कहलो ने सुख संपदा और धन धान्य के प्रतीक बैलों की जोड़ी की पूजा अर्चना कर 5 दिवसीय राज्य स्तरीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नलवाड़ी मेले का विधिवत उद्घाटन किया और एसडीएम और मेला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष गौरव चौधरी ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।